सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों, आज से ही हम राजस्थान पुलिस एग्जाम की दृष्टि से एक स्पेशल टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में आपको डेली 30 से 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित करवाने वाला हूँ। और दोस्तों, आप सभी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा, यानी साथ साथ जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ तो आप अपने क्वेश्चन कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए ये देख लेना, और उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपके लास्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसमें थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। तो दोस्तों, साथ में जुड़िएगा टेस्ट सीरीज के, बहुत सारी बातें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस राजस्थान जीके की स्पेशल टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, करते हैं हम आज की टेस्ट सीरीज की शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप दोस्तों बताइएगा, स्वाईमाधोपुर में चौथा बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सीसा जस्ता की खान, टंगस्टन की खान, अबरक की खान या फिर सलेट की खान। तो दोस्तों, स्वाईमाधोपुर में जो चौथा बरवाड़ा है ये किस खनिज के लिए फेमस है? तो याद रखिएगा, सीसा जस्ता की खान के लिए या फिर सीसा जस्ता खनिज के लिए फेमस है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों, यहीं पे चौथ माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, कि किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है? ऑप्शन आपके सामने है, चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथंभौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पे ये खेल नहीं है, यहाँ पे किला है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो आपका कोटेशन है या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो रणथंभौर। और दोस्तों, ये जो कथन है वो किसने कहा? तो अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? अब दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं और दोस्तों आपके आगामी एग्जामों की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, किराड़ू मंदिर बाड़मेर। और दोस्तों, बात करते हैं कि खजुराहो कहाँ पे है वास्तव में, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो वास्तव में किस राज्य में है? तो दोस्तों, नाम आता है एमपी राज्य में है। और दोस्तों, एमपी राज्य में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है छतरपुर, जहाँ पे ये खजुराहो मंदिर स्थित हैं। और इन खजुराहो मंदिर में जो सबसे फेमस एमपी में मंदिर है वो है कंदारिया महादेव मंदिर। तो ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, राजस्थान का जो खजुराहो है वो कहा जाता है किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। और दोस्तों, बात करें भंड देवरा, इसे दोस्तों मिनी खजुराहो या फिर हम कह सकते हैं कि हाड़ोती का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अब दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखिएगा कि केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं या फिर राजपूत महिलाएं। और दोस्तों, आप सारे ये क्वेश्चन मिलाते रहना कि आपने कौन सा राइट आंसर माना, उसके बाद में आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जो केरी भांत की ओढ़नी है ये आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है या लोकप्रिय है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं? तो दोस्तों, ये गीत हैं लांगूरिया गीत। और दोस्तों, ये किस जनजाति के द्वारा? तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा, ग्रासिया जनजाति के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगूरिया गीत, केला देवी की आराधना में। और दोस्तों, बात करें जो ये आपका लावणी है ये दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र का गीत है, ठीक है, लावणी है ये मेवाड़ क्षेत्र का गीत है जो कि दीपावली के अवसर पर जो बच्चे हैं वह ये गीत गाते हैं, लावणी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है। साथ साथ में आप मिलाते जाना आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को।
तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। ऑप्शन आपके सामने है पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। तो दोस्तों याद रखिएगा वर्तमान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राजस्थान का जिला है हनुमानगढ़। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। यानी झालावाड़ को संतरा उत्पादन के लिए राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और दोस्तों बात करें नागपुर स्थान की तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। और दोस्तों नागपुर है वो संतरा उत्पादन के लिए भारत या फिर विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि वनस्थली विद्यापीठ या फिर डिम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है। तो दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक, ठीक है, निवाई तहसील और टोंक जिला। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। तो 11वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया। तो दोस्तों ये किया था देवनारायण जी की फड़ पर। और दोस्तों कब जारी किया गया और कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन आपके सामने है ग्रासिया, मीणा, सहरिया या फिर भील। तो दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से है। तो दोस्तों सहरिया जनजाति से है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन कि भोरा समाज का उर्स कहाँ पे भरता है। ऑप्शन आपके सामने है बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट, उदयपुर। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे होंगे लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में ये या फिर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट में भरता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि दोस्तों राजस्थान की पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो पंचायत समिति है उसका प्रधान होता है वह अपना इस्तीफा किसे देता है। जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को या फिर संभागीय आयुक्त को। तो दोस्तों याद रखिएगा जो राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। कांठल, भाकर, गिरवा या फिर मेवल। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कांठल। तो दोस्तों कांठल का जब नाम आता है तो हमारे सामने आते हैं दो ज़िले, एक तो बांसवाड़ा, दूसरा प्रतापगढ़। ठीक है, दो ज़िले हैं, इनमें जो माही नदी का बहाव क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं कांठल का मैदान। जबकि दोस्तों बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी ये डूंगरपुर हो गया, ये बांसवाड़ा, ठीक है, और ये आपका प्रतापगढ़। तो बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को बोलते हैं मेवल के नाम से जाना जाता है। यानी बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है उसको मेवल कहा जाता है। जबकि दोस्तों बात करें बांसवाड़ा और ये जो प्रतापगढ़ वाला भाग है, भूभाग है, इसको बोलते हैं कांठल का मैदान। तो याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें भाकर, तो सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली, पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं उनको भाकर बोला जाता है। और दोस्तों उदयपुर के जो चारों ओर पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें मेवल, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो दोस्तों सांभर के बारे में आप सभी जानते हैं जो कि जयपुर में है, खारे पानी की झील है। और दोस्तों पंचपदरा झील ये बाड़मेर में है और दोस्तों ये भी खारे पानी की है। लूणकर्णसर इसके नाम से ही पता चल रहा है खारे पानी की है। यानी कायलाना झील जोधपुर में है, ये क्या है, खारे पानी की झील नहीं है बल्कि मीठे पानी की झील है। और दोस्तों ये प्राकृतिक झील है जिसका पुनर्निर्माण करवाया था सर प्रताप ने। और दोस्तों इसी कारण इसको प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बताई। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1959। दोस्तों नागौर जिले का बगदरी गांव था, ये भी आप याद रखिएगा। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च, जिसे हम काजरी बोलते हैं, तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा जोधपुर ज़िले में है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है कि ताजमहल जैसे भारत में है, उसी प्रकार पिरामिड किस देश में है, तो दोस्तों गीजा के पिरामिड बहुत ही फेमस हैं, किस देश के, इजिप्ट या फिर हम कह सकते हैं मिस्र, तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो उड़न गिलहरियों के लिए फेमस अभयारण्य है वो है सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं राइट आंसर आपको बता दूं कि जो दिल्ली की मोती मस्जिद है वो औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी, जबकि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, शाहजहाँ के द्वारा, तो दोनों बातें याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन आपके सामने है शांतिलाल चंपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा या फिर श्रीमती सुमित्रा सिंह, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल की ससुराल जिस स्थान पर है वह है, तो दोस्तों इनको बोला जाता है छोटी लोसल की बहू, और दोस्तों इनका जो ससुराल है वो छोटी लोसल सिक्र में है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर कहाँ पे है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा जयपुर ज़िले में है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और दोस्तों आप मिलाते जाइएगा, मैं आपको राइट आंसर बताता जाऊँगा। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा कि कौन सा क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर जो कि जयपुर में है, और दोस्तों जयपुर का सबसे प्राचीन उद्यान कौन सा है, तो ये भी याद रखिएगा। वैसे बात करें सिसोदिया रानी बाग, रामनिवास बाग, ये सारे जयपुर में हैं, लेकिन जो विद्याधर का बाग है ये जयपुर का सबसे प्राचीनतम उद्यान माना जाता है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कि जो UPI है इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ UPI का मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और दोस्तों आप मिलाते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, तो दोस्तों याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 अनुच्छेद 15 जिसका भाग 3, ठीक है, अनुच्छेद 15 3 के तहत दोस्तों जो संविधान में है वो राज्य स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, ए नंबर ऑप्शन सॉरी, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15(3), यानी आर्टिकल 15(3) है, इसके तहत राज्य है वो स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा कि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का प्रावधान करता है, यानी दोस्तों नौकरियों में समानता, अनुच्छेद आपका 16, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार एवं बेगार का प्रतिषेध करता है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद है 23, ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि संसद द्वारा स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम कब पारित किया गया, तो दोस्तों ये पारित किया गया कब, 1956 में, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा कि विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, रोगुंस्की बांध, ग्रांड कुली बांध या फिर भांगड़ा बांध, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो आपका सबसे बड़ा बांध है वो हो जाएगा कौन सा, तो ग्रांड कुली बांध, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कोलंबिया नदी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा
कि सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो दोस्तों आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की कि संत जामोजी का जन्म हुआ था, तो आप सभी को पता होगा संत जामोजी का जन्म पिंपासर नागौर में हुआ था। और दोस्तों ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज जिसके अंतर्गत हमने 35 क्वेश्चन किए। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपने 35 में से कितने क्वेश्चन राइट किए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल टेस्ट सीरीज के दूसरे भाग में। धन्यवाद दोस्तों।